13,156 मामला, महत्वपूर्ण अपडेट। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात और शिक्षकों की बैठक खत्म। प्रक्रिया में बदलाव में 69 भर्ती की आज की विशेष अपडेट बताएंगे। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन में। जैसा कि अभ्यर्थियों को पता लगा था, धरना प्रदर्शन जारी है। 6,800 पदों को लेकर, नियुक्ति को लेकर कल उप मुख्यमंत्री जी पे आवास पर धरना दिया था। वहाँ पर भी उनको आश्वासन मिला कि जल्द से जल्द जो भी महत्वपूर्ण जो कार्रवाई है वो की जाएगी और लिखित रूप में PDF के माध्यम से अधिकारियों को सूचित किया जाएगा, और जिससे कि जो डेट लगने वाली है उस डेट पर कुछ अच्छा पैरवी हो पाए और जल्द से जल्द उसका निर्णायक पर पहुंच पाए। आज कुछ अभ्यर्थी मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करने के लिए पहुँचे। उन्होंने ज्ञापन देने के लिए मनोज प्रजापति जी भी गए वहाँ पर, और उन्होंने एप्लीकेशन लिखा है और मुख्यमंत्री जी को देने के लिए। तो ये उन्होंने पूरी सारी जानकारी उसमें ज्ञापन में लिख दी, जैसा कि सभी लोगों को ज्ञात है। लेकिन विशेष बात ये रही कि आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई है, और उनके PSA असिस्टेंट से बात हुई थी, जो वहाँ पर आला अधिकारी थे उनसे बात हुई है। तो उन्होंने कहा है कि हम PDF के माध्यम से जल्द ही जल्द अधिकारियों को सूचित कर देंगे और हो सकता हो और निर्णायक बहस में आप लोगों की फाइनल बहस में हाजिर होंगे। अब देखना यह कल क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है। अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। वहीं पर अभ्यर्थियों ने ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन देकर सूचित किया गया, जिससे कि जल्द से जल्द उनका निस्तारण हो पाए। कोर्ट नंबर के 8 की जो कॉज लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। लगातार जो संशय था वो ख़त्म हो गया है। कल सुनवाई होगी और कल कुछ ना कुछ विशेष खबर निकल के आ सकती है, या फिर हो सकता है कि जो आपकी जो पहले की तरह सरकार डेट लेके आगे भागे। अब देखना ये क्या हो पाता है। अब तक जो आश्वासन मिला है उसमें सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड हैं और आश्वासन भी पॉजिटिव मिल रहा है अभ्यर्थियों को। लेकिन वहीं भास्कर यादव की तरफ से भी 13,156 की तरफ से पैरवी की जा रही है। तो उन लोगों की तरफ से भी जो पैनल खड़ा रहेगा वकीलों का, और क्या उसमें बताते हैं ये सारी चीज़ें अपडेट। कल बहुत महत्वपूर्ण दिन रहेगा और छोटी बड़ी अपडेट कोई रहेगी सबसे पहले सबसे सही जानकारी देते रहेंगे। और उम्मीद है कि ये केस आप लोगों का लगभग 12 बजे के आसपास तक सुन जाएगा, लंच से पहले या फिर लंच के जस्ट बाद आप लोगों की ये कोर्ट की सुनवाई हो जाएगी। और क्या फैसला आता है 13,156 पर और या फिर 6,800 पर, इन दोनों केसों को अलग अलग किया जाएगा या फिर इसी में कंक्लूड किया जाएगा, देखना ये है। कोई भी अपडेट रहेगी कोर्ट रूम से सबसे पहले सबसे सही जानकारी दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे सही जानकारी पूर्ण होती रहेंगी आप लोगों की। थैंक यू गाइस।